देखिए, जश्न तालीम का मकसद है कि हम बच्चों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए और भिवंडी शहर के अंदर क्या टैलेंट है वो पूरे महाराष्ट्र में जाए। और मुझे खुशी है कि जश्न तालीम का जो मकसद है, जो माहौल शहर में बनना चाहिए वो माहौल बना है, लोगों तक ये बात पहुंची है कि एजुकेशन की क्या अहमियत है और एजुकेशन से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अब जश्न तालीम घर घर तक पहुंच गया और इसकी तैयारी भी अच्छी हो गई। आप खुद देख रहे हैं, आप वेन्यू पे हैं आज। सबसे पहले तो मैं तमाम प्रिंसिपल्स, टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स, कन्वीनर्स, प्रोग्राम के इंचार्ज, मेरे सभी साथी, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता और आम पब्लिक जो इसमें लगी हुई है, बहुत बड़ा एक व्यवस्था बन गई है। कम से कम 500,000 तो वॉलंटियर्स है, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस लोगों तक पहुँचाई। और अभी लोगों को लग रहा है कि हाँ, एक ऐसा भी कोई प्रोग्राम हो सकता है जहाँ पे पूरा शहर का तवज्जो तालीम पे आए। अब बात है कि इवेंट कैसा है, क्या है। हमारे कन्वीनर साहब यहाँ पर है, ज़िया सर, वो आपको इवेंट कितने हैं, कितने स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन एक और बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है कि इस प्रोग्राम में हमारी बहनें, हमारी माँ बहनें जो घर में बैठकर अपने अपने मज़हब की पूरी हद को अंदर रह के जो पूरा बिजनेस करते हैं, वो वुमन अचीवर अवार्ड यहाँ पर है। तो रवीश सर आपको वुमन अचीवर अवार्ड के बारे में बताएंगे। मुझे एक बात सबसे कहनी है भिवंडी करों से कि कल हमको बहुत डिसिप्लिन में आना है, आने के लिए कोई पास की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जगह की व्यवस्था जो है उसको देखते हुए हमको एकदम डिसिप्लिन में रहना है। बच्चे आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं और मुझे तो इतनी खुशी है कि मुंबई से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि हमको आपके प्रोग्राम में आना है। तो एक वक्त था कि भिवंडी मुंबई की तरफ देखता था, मुंबई वाले मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी टीम है ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम जिन्होंने किया। जितने भी हमारे साथ साथी सोशल मीडिया पे हैं जो अलग अलग थीम बना रहे हैं और आम स्टूडेंट्स जो अलग अलग थीम बना रहे हैं, उन सब का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। मैं एक बार फिर हमारे पूरे शहर के लोगों को गुजारिश करूँगा कि वो आए, इस प्रोग्राम को विटनेस करें और एक फिज़ा बनाएं कि तालीम ही भिवंडी को आगे बढ़ा सकता है। यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स के साथ साथ लकी ड्रॉ भी है। लकी ड्रॉ, लोगों को जाकर एक लकी ड्रॉ की स्लिप भरनी होगी और बाद में उसको स्टेज पे ओपन किया जाएगा। क्विज़ है, ऑनलाइन क्विज़ है, लोग आएंगे, वो भी सवालात का जवाब देंगे। तो एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे प्लान हुआ है। मैं मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सभी लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोगों को दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो हम आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज इस मौके पर आप आएँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अंसारी मैरिज ग्राउंड जहाँ पर जश्न तालीम कल 11 फरवरी को शाम में 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जिसका ग्रैंड फिनाले होने वाला है, आप देख रहे हैं कि उसकी सारी तैयारियां आज मुकम्मल हो चुकी हैं। गुज़िश्ता तकरीबन 1 महीने से शहर में हमारे शहर के स्कूलों, कॉलेजों और जनरल पब्लिक तक जश्न तालीम के ताल्लुक से मैसेजेस पहुंचाए गए हैं हर ज़रिए से। और आज ये आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और आपने भी महसूस किया होगा कि शहर में एक बहुत अच्छा माहौल तालीम को लेकर बन चुका है। और ये बात समझ में आ रही है कि तालीम की तरक्की के लिए हमारा पूरा शहर इस उन्वान पर, तालीम के उन्वान पर एक है और सब ये चाहते हैं कि बच्चों की तालीम की तरक्की होनी चाहिए। और इसी मकसद से जश्न तालीम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसका जो पहला हिस्सा है वो स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स के दरमियान में अलग अलग तरह के 9 कॉम्पिटिशन्स की शक्ल में है, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक चलेंगे। पहले हमने इन मुकाबलों का जो वक्त है वो दोपहर में 1 बजे से शाम में 5 बजे तक का रखा था, लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गज़ल में, स्पीच कॉम्पिटिशन में और इस तरह के कुछ कॉम्पिटिशन्स में इंट्रीज इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि हमको उसके एलिमिनेशन राउंड रखने लगे हैं। तो ये जश्न तालीम की कामयाबी का एक बहुत बड़ा सबूत है और हम हमारे शहर के स्कूलों और कॉलेजों का शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने जश्न तालीम को इतना हाथों हाथ लिया है, और उनके प्रिंसिपल्स का भी कि उन्होंने जश्न तालीम के इवेंट्स में इतना ज़्यादा इंथुजियास्टिकली
पुरजोश तरीके से उन्होंने शमूलियत हासिल की है। तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक स्पीच कंपटीशन और गज़ल कंपटीशन, इसके एलिमिनेशन राउंड होंगे, और 12:30 या 1 बजे से इनके फाइनल राउंड शुरू होंगे। इसके अलावा डिबेट कंपटीशन है और क्विज़ कंपटीशन है। ये 4 कॉम्पिटिशन्स ऐसे हैं जो स्टेज पर होंगे, जहां पर बच्चों के बोलने की सलाहियत का इजहार होगा, और यकीनी तौर पर ये बहुत दिलचस्प होगा। और हम चाहेंगे कि इन मुकाबलों में भी, इनको देखने के लिए भी शहर के लोग आएं। हालांकि शहर के लोगों को ख़ासतौर से MLA रईस शेख साहब ने बड़े पैमाने पर शाम के प्रोग्राम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ग्रैंड फिनाले, जो फिनाले होने वाला है, उसमें मदु किया है। कॉम्पिटिशन्स का जो दूसरा पहलू है, ऐसे बच्चे जो, क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक तरह की सलाहियत नहीं होती, हर बच्चे में अलग अलग तरह की सलाहियत होती है, ये हर तरह की सलाहियत को मौका मिलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी बात की अहमियत को समझते हुए ड्राइंग कंपटीशन, कैलीग्राफी कंपटीशन और पोस्टर डिज़ाइनिंग कंपटीशन भी रखा गया है, जो सेकेंडरी स्कूल, जूनियर कॉलेज और DED कॉलेज के स्टूडेंट्स के दरमियान में होगा, और इसमें भी बहुत बड़ी तादाद में बच्चों ने हिस्सा लिया है। इसके अलावा मेहंदी कंपटीशन है, जिसमें ख़ासतौर से डिग्री कॉलेज बच्चियाँ हिस्सा लेंगी। ये इतने तरह के कॉम्पिटिशन्स हैं, इनमें इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में बच्चों ने हिस्सा लिया है कि हमको हमारे प्लान में बहुत तेज़ी से तब्दीलियां करनी पड़ी हैं, और अलग अलग फेजेज़ में इनको रखना पड़ा है। टोटल 600 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अलग अलग एज के, और 160 से ज़्यादा स्कूल्स ने इसमें अपना हिस्सा लिया है। तो इस एतबार से हम समझते हैं कि जश्न तालीम बहुत हद तक आज की तारीख में, आज जबकि अभी जश्न तालीम को मुनक़िद होना है, तो उसका पैगाम लोगों तक पहुंच गया। बच्चों ने जिस जोश खरोश के उसकी तैयारियां हैं, तो ये अपने आप बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मैं बहुत बात कह सकता हूं कि जश्न तालीम मुनक़िद होने से पहले अपनी कामयाबी की मंजिल उसने तय करना शुरू किया है, क्योंकि मैं बहुत ज़ोर देकर ये बात कहना चाहता हूँ कि जश्न तालीम का जो बुनियाद है, जो मकसद है, वो है इन्वॉल्वमेंट एंड इंस्पिरेशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, हमारे बच्चों को मुकाबले में शामिल करना। और जिस तरह से बच्चों ने तैयारियां की हैं, और जिस तरह से अगर किसी स्कूल को इनविटेशन थोड़ा सा लेट पहुंचा, या किसी स्कूल ने अपनी एंट्री को भेजने में थोड़ी सी देर की, तो जितने जोश व खरोश के साथ में वो अपने आप को पेश करते हैं कि आपको हमारी एंट्री लेनी होगी, और हमसे ताखीर ज़रूर हो गई है, लेकिन हम इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो यही जोश व खरोश जो है, ये हमारे जश्न तालीम की हम इसको कामयाबी समझते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि इस सिलसिले को रहना चाहिए। शहर की तरफ हमारा आज के इस दिन में पैगाम बहुत बड़ा ये है कि अगर आप सुबह के मुकाबलों में हिस्सा ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं, तो आप आएँ। लेकिन हमारे बच्चों की कामयाबी का जो आखिरी मंज़र है, 6 बजे से लेकर तक जो इस ग्राउंड पर होगा, उसमें आप ज़रूर शिरकत करें, और ये बताएं, ये साबित करें कि तालीम सिर्फ बच्चों, स्कूलों और सिर्फ टीचर्स का कंसर्न नहीं है, बल्कि हम तमाम शहरी तालीम के इस मौजू पर एक साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड, जैसे वुमेन अचीवर अवार्ड हम लोग कह रहे हैं, ये जश्न तालीम का सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होगा कल ग्रैंड फिनाले में। ये अवार्ड वो औरतों को दिया जा रहा है भिवंडी के, जो हम अपने खुद से अपना बिजनेस कर रहे हैं, और सिर्फ अपना ही नहीं, बहुत सारे लोगों को वो बिज़नेस प्रोवाइड भी कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड भी कर रहे हैं। ये कॉम्पिटिशन के लिए हम लोगों को टोटल 52 एंट्रीज आई है, और ये एंट्रीज़ थ्रू व्हाट्सएप और गूगल फॉर्म के थ्रू आई है, जिसमें से 52 एंट्रीज़ में से हम लोगों ने 33 एंट्रीज़ को शॉर्टलिस्ट किया, और कल 33 एंट्रीज़ को हमारा कल एलिमिनेशन राउंड हुआ, जहां पे 33 अलग अलग बिज़नेस मॉडल्स को एग्जिबिट किया गया। ये 33 एंट्री बिज़नेस मॉडल्स को हमारे 3 जूरी मेंबर्स हम लोगों ने अपॉइंट किया था। ये 3 जूरी मेंबर्स ने 33 एंट्रीज़ में से
छः बिज़नेस मॉडल्स को सिलेक्ट किया है। ये छः बिज़नेस मॉडल्स कल हमारे ग्रैंड फिनाले स्टेज पे प्रेजेंट किया जाएगा और इसका जो विनर होगा वो ऑनलाइन वोटिंग के थ्रू उसका प्राइस अनाउंस किया जाएगा। और इसमें जो मार्क्स दिए गए हैं जजेस के, उसका वेटेज 50% होगा और ऑनलाइन वोटिंग का 50% वेटेज होगा।